में ओछी बुद्धि आ गई, वही छल कपट आ गया। तो आप जो मंत्र जपते हो वो भी काम का, याद रखें इस बात। आज इतिमती रूप दासी रूप में दिया है। आज भगवान कृष्ण को कहते हैं, केशव मुझे वो दिन याद है जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था और युद्ध होते होते 9 दिन हो गए। मेरे पास दुर्योधन आया है। दुर्योधन ने कहा कि मैं आज जो है कह दूंगा कि हम हार गए पितामह और पांचों पांडव जीत गए। मैं आज शंख बजा कर यह घोषणा कर दूंगा। विष्णु पितामह ने कहा, अरे वाह, मुझे सेना नायक बनाया और तू ये वार करता है। बोले, मुझे पता है कि आपको अस्त्र शस्त्र नहीं चलाओगे उन पांडवों के पीछे। तो आज पितामह ने भी संकल्प कर लिया कि प्रातः काल जो युद्ध होगा उसमें पांचों पांडवों को मार। पितामह ने क्रोधित होकर यह वचन को लिया है कि मैं पांचों पांडवों को मारूंगा। और जब पांचों पांडवों को मारने की बात है तो हे केशव, मुझे याद है तुमने भी संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जिस समय दुर्योधन और अर्जुन तुमसे सहायता मांगने के लिए आए, तुम सोए हुए थे, सबसे पहले जो है अर्जुन आए। तो अर्जुन जैसे ही चला तो दुर्योधन फटाक से भागा है, बोले न मांग ले इससे पहले मैं चलता हूं। और दौड़ते हुए अंदर गया है, कहा कि द्वारपालों ने कहा कन्हैया सो रहे हैं। बोले ठीक है, वो गया और सिरहाने बैठ गया। पीछे से अर्जुन गए, छोटे थे इसलिए रुक कर भगवान कृष्ण को सोया देखा तो वह चरण में बैठ गए। भगवान जैसे ही जागे तो निद्रा जैसे ही खुली तो कहाँ फैला जाता है। तो चरण में गई तो कहा, अर्जुन तुम कैसे आओ? पीछे से दुर्योधन तम तमा कर बोला, अरे ये पहले नहीं आया, पहले तुम नहीं आया। देखो एक एक चीज आपको एक एक चीज शिक्षा देती है। क्या शिक्षा दे रही है? चरण में बैठोगे तो सब कुछ मिलेगा, पहली नजर वहीं पड़ेगी, और माथे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सास के कहाँ बैठना चाहिए आपको? चरण में। पर आजकल की बहू तो पहले जाके माथे बैठे। ये आप लोगों के लिए शिक्षा, एक एक पुराण में एक एक शिक्षा प्रद कहानियां हैं, ये हमें शिक्षा देती है। पर आजकल तो कल एक मां साहब आई भजन, उससे कहा माँ भजन गा। बोले महाराज, महाराज तो गलो बहुत दुखे, कल के वास्तविक कथा है। बोले मासा मासा ने कहा महाराज मारो गलो। मैंने कहा मैया, हाथ दुखे तो हाथ दबाई दू, माथो दुखे तो माथो दबाई दू, और गलो दुखे दुखे तो कहेगा मैंने मिला थर गलो दबाई। भजन में गला दुखता है और गाली देने में याद करो आप उसका। क्या करें हम, आएंगे सब जने और अभी कहते भजन गा दो तो नहीं, नहीं साहब मारो तो गलो कही। रटा मारा श्याम जी को नाम ये दुनिया लाजा परे, रटा मारा श्याम जी को नाम ये दुनिया लाजा मरे, लाजा मरे हो लाजा मरे, लाजा मरे हो लाजा मरे, हमारा श्याम जी को नाम ये दुनिया लाजा मरे, रटा मारा श्याम जी को नाम ये दुनिया लाजा मरे।
उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ 16,000 अश्वनी सेना मेरी है, दूसरे तरफ में पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। आप सबसे पहले कौन आया था? दुर्योधन। दुर्योधन ने मांगा, प्रभु आपकी सेना मुझे चाहिए। उस अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? बोला बचा क्या है आपके सिवा, मैं आपको ही लेना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने चुटकी भर कर कहा, अरे देख देख माखन माखन तो ले गया और सिर्फ छाछ बच गई। अब तो छाछ को लेना पसंद करता है, तो अर्जुन भी बड़े कला, छाछ ही चिंता नहीं, जिसके पास चोर है उसका तो माखन भी चुरा कर आप ले आओ, ये हमारे ठाकुर की कृपा है, उनके हो जाओ। इसीलिए तो होली होती है, सबसे प्रिय त्यौहार है भगवान का, उसे कतराते नहीं नहीं साफ, दाल खराब हो जा, घर खराब हो जा। होली, क्या नाम है उसका? इसीलिए नए पति पत्नी जब लाड़े लाड़े नहीं होते तो उनको पहले, अब तो खत्म हो गई कहानी, पहले रंग डलवाया जाता था इसीलिए तो। और हमारे इसमें तलाक नामक शब्द है ही नहीं, ये तलाक शब्द जो उड़ता है हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सब चीज जोड़ना जोड़ना तोड़ना तो है ही नहीं। आप देखो किसी चीज को देख लो, भगवान की मूर्ति को लाए हो तो उसको पूजा रोज करो रोज करो रोज करो रोज करो, तोड़ना लिखा, भक्ति भी कभी टूटती नहीं। आप देखो जला कर आगे, जो भी माँ गई बाप गया पत्नी गई पति गया जो भी गया उसको जला कर आ जाते हो, उसकी हड्डी लाते हो, उसको भी विसर्जन कर लेते हो, वो फोटो है उसको भी रोज नैवेद्य लगाते हो, वो खाएगा थोड़ी आपको पता है पर नहीं उसका भी। हमारे यहाँ सब में भावना है सबकी चीज में, हमारे इसमें कभी भी तोड़ना लिखा नहीं, सबको जोड़ना लिखा है। क्या लिखा? तलाक शब्द हमारे यहाँ नहीं है, और आज क्योंकि वो होली वो होती नहीं है दूसरे की, वो आती है तो पहले कह देती है मुझे रंग से बहुत नफरत है तुम्हारे घर में, ऐसा ये आडम्बर होता मुझे पसंद नहीं। अरे बाबा आजकल तो ये हो गया है कि बेचारी दादी होने देती है, फिर नाना साल भर हो गया, दो साल हो गया, अभी तब लाला को मुँह दिखाए तो अरे फटाक से बहू रानी बोल देती है। अभी हम सेठ तो हो जाए, हम तो कहते हैं सेठ मत बोलो, अभी बोलो तुम हम सेठानी तो हो जाए इस घर की, जब लाला देंगे तुमको, तुम चाबी हमारे हाथ में दे दो तो तुम घर से बाहर निकल जाओ, हम सब लाला लाली सब दे देंगे। आजकल क्या चाहिए? धन, और इस धन 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 में ऐसे हो जाते कि मरते तो क्या हो जाता, निधन। देखो आप फलाना व्यक्ति का निधन हो गया, किसी का ऐसा लिखा कि को सेठ सेठाना गया और बाद में क्या बोलते दसवें दिन घाटो करी आया, क्या करा है घाटा, राम घाट पे घाटो कर रहा है, उनने बहुत उधार लियो थो जो आज घाटो पूरो ही गए। कितना धन 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 करो, जो मिला उसमें खुश नहीं है, जो नहीं मिला उसमें बड़े दुखी है। आज का दिन मिला भगवान से कहो कि भगवान आपकी सेवा भावना में अच्छा सा निकले, बस आज कहा मुझे वो समय याद है जब मैंने प्रतिज्ञा ली तो आपने क्या किया। मैंने दुर्योधन की भार्या भानुमती को कहा था कि तू प्रातःकालीन जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठू तो आशीर्वाद लेने आ जाना, भगवान ने द्रौपदी सुधा को उठाया है, स्वयं सेविका बने भगवान कृष्ण। जब चल रही थी तो जूती की चूर चूर आवाज आने लगे, भगवान कृष्ण ने वो मंजुल उतराई है कांख में धरी है और ले गए। जैसे ही अंदर गए हैं चरण स्पर्श के दिन में बीच रास्ते में सब समझा दे द्रौपदी सुधा कि बाबा अखंड सौभाग्यवती का संकल्प आशीर्वाद दे तो कितना, क्यों प्रतिज्ञा सही है कि प्रतिज्ञा झूठी है, पहले बताइए आशीर्वाद झूठा है कि आशीर्वाद सच्चा है, बस इतना ही बोल देना। द्रौपदी सुधा जैसे ही गई है इधर भानुमती आई, भगवान कृष्ण ने सेविका बने, अरे बहन कहाँ जा रही हो,
भानुमती कहने लगी के बाबा के जो है तंबू में, बोले रात्रि काले में बूढ़े लोगों के तंबू में जाना उचित नहीं, उसको तो भगा दिया, उसको वापस। और द्रौपदी सुधा को भी भगवान कृष्ण को पता था कि आशीर्वाद मिलेगा। जैसे ही द्रौपदी सुधा ने बाबा के सामने चरणारविंद झुकी है, बाबा ने अखंड सौभाग्य द्रौपदी सुधा ने एक ही बात कही, बाबा सत्य वचन कहलाते हो, एक तरफ अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हो, दूसरी तरफ पांडवों को मारने की बात कहलाते, कैसे आपका वचन सत्य कहो। कहा कि बेटी ये बता तुझे लाने वाला कहा है। सबसे पहले तो वही की प्रश्न किया, तुझे लाने वाला कहा है, आज भगवान ने क्या किया पता है, काली कमली मोजड़ी का तो सिरहाना बनाया तकिया और काली कमली माथे से सर तक, क्योंकि काला काला कहीं दिखता नहीं, अब ध्यान में भी भगवान नहीं दिख रहे, तो भगवान तो सो नहीं रहे। संसार में भी हमारे मन में दो बात उठे आप लोगों के लिए, होगा कि नहीं होगा समझ लेना, संतूर काला ही काला रथ का। मैं तो किसी को पहिया बता रहा था, कभी पीछे मत हटना, इतने में द्रौपदी सुधा हंस दी। देखो ना, कभी किसी के सामने हंसना नहीं चाहिए, याद रखे। पूरे दिन वो हंसी है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी बोलो तुम क्यों हंसी, बोले बाबा कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले बताओ तुम क्यों हंसी, बाबा उस दिन में मैं थी, जब मैंने मैं भी अबला थी, जब मेरे वस्त्र निकाले जा रहे थे उस समय आप बाबा कहाँ थे जो आज इतना अच्छा वचन दे रहे। बोले मुझे पता था बेटी तुम यही बोलोगी, पर मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और अन्न का ही रक्त बना था, 9 दिन में मैंने उस रक्त को सब बहा दिया, इसलिए आज मैं शुद्ध हो गया। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। बोले मैंने उसका दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए वहां तुम्हारी लाज को नहीं, आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो सब रक्त निकाल दिया, अन्न से ही रक्त बनता, 9 दिन में वह रक्त आज मैं शुद्ध हो गया, इसलिए मैं तुमको बताना चाहता हूं, ज्ञान देना चाहता। आज अंतिम संस्कार किया गया भीष्म पितामह का, वहां कुछ दिन जो है कन्हैया का सवा महीना का वो चले हैं, पहली बार जब चले हैं द्वारकापुरी तो द्वारकापुरी में उनका स्वागत हुआ है। उदार शिरोमणि वसुदेव अक्रूर अग्रसेन अद्भुत पराक्रमी बलराम प्रद्युम्न चारुर्देष्टा जामवंती नंदन साम आदि सब मिलकर वो 16,000 पत्नियों से भगवान मिले हैं, 8 पत्रानियों से मिले हैं, नित्यानंद होने लगा। अब अश्वत्थामा रुद्रा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसको भगवान कृष्ण ने बचाया है, वह बालक बड़ा होने लगा अंदर ही अंदर, वही बालक समय को लेकर 9वां मास पूर्ण हुआ, 10वें मास में बालक ने जन्म लिया। वो जन्म लेते ही बच्चों की आंख बंद होती है, पर वो बच्चा धीरे से ही बाहर निकला, सब दूर ढूंढने लगा कि मुझे अंदर बचाने वाला बाहर कहाँ है। इति नाम जो परीक्षण करने लगा, इसलिए उसका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रखा। परीक्षित धीरे धीरे इस प्रकार चंद्रमा की कला बढ़ रही है, वैसे जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। गुरु को यहाँ पर शिक्षाओं को प्राप्त किया है, शीघ्र ही शिक्षा प्राप्त कर अब स्वजनों की जो वध हुआ तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि किसने हमने ही मारा है तो हम ही प्रायश्चित करेंगे। तो आज 5 पांडवों ने प्रायश्चित किया है,
और प्रायश्चित करने पर अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जब किया है, भगवान कृष्ण को बुलाया है, भगवान कृष्ण वहाँ पर आए, यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ, सब गए इधर। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो तीर्थ यात्रा करके विदुर जी वहाँ पर पधारे हैं, विदुर जी का सभी ने स्वागत किया है। पर विदुर जी के मन में एक ही चीज थी, वो टीस यह थी कि देखो इस युधिष्ठिर को, कि जिनने कभी भी अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र पे कभी, अरे इसने कितने इनको, इसके पुत्र ने जलाने का प्रयास, भोजन प्रसादी दी है और रात्रि में मिलने के लिए अर्ध रात्रि में हम यहाँ से निकल चले। धृतराष्ट्र गांधारी को कहा कि देखो अब तुमको यहाँ रहना उचित नहीं है। रात्रि कारी वहां से चले गए। तीर्थयाटन, कौन सा तीर्थयाटन है? हरि का द्वार, इसलिए हरिद्वार बोला है। आजकल तो हम घूमने फिरने जाते और पहले कोई साधन नहीं थे, 60 के बाद जाया जाता था, पंचवारी पूजी जाती थी, आ गए तो उत्सव होता था और चले गए तो सीताराम होता था, मतलब गए पिछाले दीदी के गए निकल ली। आजकल तो निकल जाते कोई, तो मैं कह रहा हूँ 60 साल के बाद जाया जाता, और आजकल तो अरे बूढ़े डोकरे डोकरी जाते हैं, साथ में पोते पोती को ले जाते, पोते पोती को ले जाते, चलो चलो कम से कम इनके इसके बहाने तो अपन आ जाएंगे, क्योंकि घर वाले कभी घुसते नहीं देते तो। और आजकल तो कोई पंथवारी नहीं पूछ जाते, याद रखना, कोई पंथवारी नहीं पूछते हैं, कि सबको पता है कि आ जाएंगे, सबको पता कि हम तो यूं गए हो। और आजकल करने क्या जाते, कोई तीर्थ करने नहीं जाता, आजकल सब घूमने जाते हैं। हमको बताते महाराज हम तो गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ घूमकर आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं? तो भगवान भी उसे घुमाते रहते, बोले तुम हमको घुमाओ हम तुमको घुमा। आजकल यात्रा नहीं होती है, पहले यात्रा होती थी तो हजामत नहीं बनाई जाती थी, घर का जो है जैसा शाक भोजन मिलता है घर का, आजकल तो दुकानें खूब हो गई। आजकल तो आप कहते हो भैया ऐसा बनाना जो घर जैसा बने, क्योंकि महिलाएं लग जाती है, तू हट हम बना नहीं, तो आटा दाल सामान दे, मेरे पति को तेरे हाथ का नहीं भाएगा, ऐसे ऐसे नाटक हम कर। तो आज भगवान नहीं, वो तीर्थ यात्रा यात्रा नहीं, क्योंकि हम क्या करने जाते, आनंद लेने, और फिर आगे कहते हमें तो आनंद आया ही नहीं। आज विदुर जी इस साक्षात धर्मराज के रूप हैं, विदुर जी ने तीर्थाटन किया है, कुछ समय व्यतीत हो हुआ है, अर्जुन भी आ गए हैं मिलने के लिए। किनसे मिलने के लिए? भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले हैं, जैसे ही अर्जुन चले हैं। अब कृष्ण से मिले तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज से 7 दिन बाद ये द्वारका जो है डूब जाएगी। तो तुम अर्जुन देखो, अर्जुन को अभिमान हो गया था कि जो मेरा गांडीव और गांडीव से तो मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूं, मैंने तो युद्ध जीत लिया, पर अभिमान होने के कारण भगवान कहते जहां अभिमान है वहां मैं नहीं, शांति बनाए रखे मैया सब काम हो जाएगा। कहा कि जहां अभिमान है तहां मैं नहीं हूं, कहा कि जो है गोपियां इनको तुम ले जाओ, इनको सुकुशलता से हस्तिनापुर ले जाना। उन्होंने कहा केशव अभी ले जाता, बीच ही रास्ता आया भगवान जो है भगवान कृष्ण साक्षात भील बनकर आए हैं और लूटपाट होने लगा। गोपियां जो है एक तालाब में समा गए, आज भी आप जाओ द्वारिका पूरी में तो पहले गोपी तालाब आ गया, सब गोपियां माँ के वहां उस तालाब में समा गए। मुकुट टेढ़ा है, गांडीव हाथ से छुटा है, रथ जो है चल जाता है।
भ्राता मैं उसको चीर दूंगा। नकुल और सहदेव कहते भैया क्या हुआ, बड़े भ्राता क्या हुआ बताओ। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ कन्हैया कैसे, आंखों से आंसू आने लगे महाप्रयाण की यात्रा तो हमें छोड़कर चले गए। उसी समय आज युधिष्ठिर महाराज ने भी महाप्रयाण प्रयाण करना शुरू कर दिया। इधर राजा परीक्षित का जो विवाह है, कहते हैं परीक्षित का उत्तरा की पुत्री से विवाह किया गया। इनके चार पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र का नाम जो है जन्मेजय हुआ है। आज जब सब कुछ अच्छा भरा हरा भरा हो गया तो वहां से यात्रा शुरू कर दी महाप्रयाण। युधिष्ठिर जी महाराज एक काला कुत्ता सशरीर पहुंचे। इधर अब राजा परीक्षित ऐसे राज कर रहे हैं, ऐसे राज कर रहे हैं कि क्या कहना नहीं। एक दिन राजा परीक्षित के मन में हुआ कि चलो आखेट करने चलते, बहुत समय हो गया तो आखेट करने के लिए राजा परीक्षित चले हैं। राजा परीक्षित ने सुना तो धर्म एक पेड़ से, क्या है धर्म, दान। धर्म का एक ही पेड़ है दान, अब दान से टिका हुआ पूरा ही, और पृथ्वी रूप में गाय है। दोनों बात कर रहे कि कलयुग बड़ा बेकार है। राधा परीक्षित सुन लिया काला कलुंडा कलयुग है, कलयुग को मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण हाथ में लिया कलयुग पैर में पड़ गया। बोले महाराज मुझे कहीं आप आश्रय दे दो। चार जगह आश्रय दिए, दूत पानन स्त्री सुना यथा धर्म चतुर्विधा, चार जगह दिए है राधा परीक्षित ने, मद्यपान स्त्री का संग हिंसा और व्यभिचार। देखा महाराज ये तो आपके राजकाज में होता नहीं है, मुझे कोई अच्छा स्थान दो। उन्होंने कहा था स्वर्ण तुम्हारा स्थान, स्थान दे दिया। राधा परीक्षित चल दिए और जब आखेट करने के लिए गए हैं, आखेट करते करते इतनी दूर निकल गए तो उनको भूख और प्यास लगी, और भूख प्यास जैसे ही लगी तो राधा परीक्षित जो है वह ऋषि शमि के आश्रम में पहुंचे हैं। और भूख प्यास के कारण शमि जो है तपस्या में, पर वहां कहते कि राजा चक्रवर्ती राजा आया है और आप इसके लिए राजा चक्रवर्ती राजा के लिए भोजन का प्रबंध करो और जल पान का प्रबंध करो। शमि ने नहीं सुना क्योंकि साधन में बैठे। दूसरी बार बोला राजा परीक्षित ने नहीं सुना। तीसरी बार गुस्सा आया, एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, बाण से उठाया और शमि के गले में लटका दिया। क्या कर दिया, अपमान। और देखो संत का कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। इधर क्या हुआ, राजा तो चले गए पर एक बालक ने देख लिया और बालक ने जाकर शमी के पुत्र शंगी को कहा कि हमारे महाराज का, हमारे जो ऋषिवर है गुरुवर है इनका किसी राजा ने, महाराज ने अपमान कर दिया। उसी समय लेकर सर्प डाला है, तक्षक नाग उसे 7 दिन बाद बस ले। इधर बालक जो है दौड़ता हुआ गया पिता के गले से मृत सांप को फेंका, होने लगा जैसे ही बालक का दर्द सुना है। श्रृंगी का शमी मुनि उठ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे। कहा कि आपका किसी राजा ने अपमान किया था, मैंने उसे श्राप दे दिया कि उसे तक्षक नाग डस लेगा। उसी समय शमी मुनि ने नेत्र को बंद किया, देखा अरे तुमने क्या कर दिया, तो राजा परीक्षित थे, तुमने बहुत बड़ा कर दिया पुत्र, जाओ। इधर अब ये स्वर्ण में दिया गया 5वां स्थान। जैसे ही मुकुट को निकालो, मुकुट किसका था, जरासंध का, क्योंकि बल से लेकर आए थे।
और क्या क्या सोने में कैसे होता है। एक तो बलात् सोना लिया, जैसे हम कहते ना कि इसका घूमना भी बेकार और मिलना, मिल गया तो सामने इतना गाली देता आपको कि जिसको मिल जाएगा सारा सबका सत्यानाश हो, ये बोलती माता है। इसलिए मिला हुआ कभी भी सोना कभी कोई काम कर लिया। यहाँ क्या हुआ था, बलात् का पहना हुआ था इसलिए कलयुग चढ़ गया। जैसे ही वह जरा संत का वो हीरा जड़ी निकाला और याद आ गया मैंने किसी संत का अपमान किया, अपनी भार्या से कहने लगा अरे देवी मैंने किसी संत का अपमान कर दिया, बोलो आप इसका प्रायश्चित कर लेना। इतना प्रायश्चित का कहाँ मौका दिया। पीछे से संत का एक जो है शिष्य दौड़ दौड़ कर आ गया, बोले महाराज महाराज। बोले क्या। बोले महाराज जो आप तैयारी कर लो, 7 दिन आपके पास बचे। आप जिस संत का अपमान कर आए हैं उसके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। महाराज कहीं घबराए नहीं, कुछ भी नहीं करे। संध्या में एक घड़ी बचा था, एक शब्द, उसी समय अपना राजपाट जब ने जय को दिया बड़े पुत्र को और वहां से चल दी। देखा भी नहीं कि क्या करना। हमारे जैसे होते तो अब तो 7 दिन बचे हैं, पहले सबसे मिलजुल तो ले, व्हील तो बना ले, ये सब काम कर ले, उसके बाद मिलेंगे। अरे मरना तो है। राधा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं चल दो, चल दिए वहां से। सब राजपाट का मुंह छोड़कर भगवान की उस साधना में चल दिए राधा परीक्षित। कहां गए हैं आज भी स्थान है, बहुत कम लोग होने गए होंगे। आज भी नित्य कथा वहां 24 घंटे होती है। शुक्रताल, इसको शुक्रताल बोलते हैं, शुक्रताल, क्योंकि हम तो ऐसा सहयोग पड़ा था। एक बार कथा करने में गए थे पूरे यहाँ के उज्जैन का मंडल लेके, और क्या आनंद आता है वहाँ। मतलब आनंद में हम तो कहते परमानंद आता है, वो स्थान ही दिव्य है। आने की इच्छा ही नहीं होती कि एक बार वापस आ जाओ, वहीं बस जाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कथा का आज ही विश्राम करते हैं। कल के कथा प्रसंग में वो 7 दिन कौन से, और राधा परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए पधारेंगे। ये सुखदेव कौन है उनकी कथा है, फिर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का उत्पन्न किया इसकी कथा है, फिर 24 अवतारों में से कुछ अवतारों की कल गणना होगी। आज कथा का यही, और एक भजन के साथ फिर आरती होगी। तो कल आरती समझ कर ना हो, क्योंकि एक मैया मेरे से आके कहने लगी महाराज मारो तो हाथ ही नहीं लगी, ऐसा मत करो आप। यदि आप पीछे पीछे भी हो, क्योंकि यहाँ क्या है कभी इधर इधर धक्का मारोगे तो एक मैया कभी नीचे टपक गई तो बेचारी की हड्डी पसली टूट जाए। और ये व्यवस्था ऐसी बनाए कि यदि आपने कर लिया तो एक दूसरी व्यवस्था ऐसी कि इधर से पीछे निकल जाओ, नहीं मैया एक दूसरे को धक्का देगी इधर से उधर इधर से उधर इधर से। अरे आप हाथ एक कड़ी बना लो, एक से दूसरे एक दूसरे एक दूसरे, और कड़ी भी नहीं बनाओ तो ऐसे हाथ जोड़ो और मन में करो कि मेरे हाथ में थाली आ गई और भगवान की मैं ऐसे ऐसे आरती उठा रही। सबसे बड़ी मन की आरती और आत्मा की ज्योति हे प्रभु मैं तेरी आरती उठा भगवान का एक भजन। क्योंकि कल कौन आने वाले हैं, बोले कल आने वाले संत, और संत को तो पहले प्रणाम करना पड़ता है। संतन के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग
गानों का। Thank you.